क्या क्या याद रखूं, कितने काम। अरे हाँ, ये तो ये नहीं है। स्मिता, मेरे जूते कहाँ हैं? हाथ में। अरे ये टिफिन है, टिफिन। अच्छा, आपके हाथ में है? मेरे मेरे हाथ में ही था। स्मिता, क्या है कि मेरा पूरा ध्यान बच्चों की वो डांस कंपटीशन में है। बोल। प्लीज, जैसे ही रिजल्ट लगता है प्लीज मुझे फोन करके ऑफिस में बता देना। अरे टिफिन, टिफिन। और टिफिन तो रही। अरे बैग बैग लीजिए, संभाल कर जाइएगा। बच्चों चलो, देर नहीं हो रही है। गाइस, ड्यूटी बाइक का फाइनल हर रोज, और हम हर रोज बिना स्कूल बैग और बिना स्कूल यूनिफॉर्म के स्कूल में जाए। नहीं नहीं, एक ही बार ठीक है। वैसे मानो कहाँ है? मानो, मानो बेटा, तेरे लिए एक खास पूजा की है, आज तो जरूर जीतेगा। ये ले, विजय तिलक लगा, ये ले, कर ले बेटा। अरे अरे बेटा इधर। अरे इधर, रुक जा इधर, रुक जा। पहले पूजा फिर काम दूजा। पर दादी, पापा तो कहते कर्म ही पूजा है, और आज डांस मेरा कर्म है। वाह, आज तो तेरी हिस्ट्री पक्की। अरे दादी, हिस्ट्री नहीं, विक्ट्री, विक्ट्री। हाँ वो वही, सेम टू सेम। चलो बच्चों, देर हो रही है ना। हाँ। चलो चलो। हाँ। दादी के पैर छू रहा हूँ। विजय भव। बस ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ, अच्छा करना। हाँ, बताए कितनी देर तुम दोनों ने ऐसे कैसे खोदूंगा मैं सुरंग। प्रधानमंत्री श्री श्री तौबा तौबा जी, हम आपके लिए सुरंग खोदने का सामान लाने गए थे। ये लो और सुरंग जल्दी खोदो। अरे वाह, है कौन सा जादू इसमें, ऐसे खोदूंगा मैं सुरंग इसकी मदद से। हाँ बताओ बताओ जल्दी मुझे। तौबा तौबा जी, इसमें कोई जादू नहीं है, आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करना और ये सुरंग खोदनी है। तो नहीं, तो सिर्फ मेरे लिए डाली चाहिए थी, अपने लिए भी। मिलकर खोदते हैं सुरंग अपने हाथों से। ओ तौबा तौबा, हमें परी उत्सव के दौरान ना और भी बहुत काम है, तुम्हारी तरह बेकार नहीं बैठे हम। और परी उत्सव शुरू होने वाला है, इसलिए जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना प्रधानमंत्री तो छोड़ो, तुम्हें दरबान बना देंगे। कल का होने वाला प्रधानमंत्री तोड़ेगा ये मामूली पत्थर, वो भी अपने हाथों से। हाँ, पवित्र आसमानी शक्तियों, हे अच्छाई के देवताओं, परी मैदान पर अपनी सुरक्षा प्रदान करो।
अरे वाह, गया पांच पर परी मैदान में, मिल गया मुझे ये छोटा रास्ता। अब खोद लूंगा मैं बाकी की सुरंग कुछ ही पल में। वाह वाह, श्री श्री तोबा तोबा वाह, अब तो है पक्का तेरा प्रधानमंत्री बनना। वाह, परी मैदान पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में सुरक्षित है परियो। अब बिना हमारी आज्ञा के परी मैदान में आसमान से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आसमान से परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन मैं तो जमीन के अंदर से निकलकर परी तारा को लेकर जाऊंगी रानी परी। तो वो अंदर से क्यों जाग रहा है? किसी ने देख लिया तो बेवकूफ, उस भी पकड़ा जाएगा और मेरा भी खेल खराब करेगा। तड़काती परी। वैसे तो रानी परी ने सुरक्षा का काफी अच्छा इंतजाम कर दिया है, लेकिन आप फिर भी कुछ परियों से कहिए कि वो सावधान रहे। शुक्रिया भली परी, आपकी वजह से हम एक बहुत बड़ी भूल करने से बच गए। रानी परी, अगर आपको ऐसा लगता है तो इसी मौके पर मैं आपसे एक तोहफा मांगना चाहती हूँ। दिया। अरे पहले जान तो लीजिए कि मैं क्या चाहती हूँ। हमें आप पर पूरा भरोसा है भली परी, मांगिए। क्या तोहफा मांगना चाहती है आप? भयंकर परी बहुत ही चालाक है, देखते हैं अब वो रानी परी से क्या मांगती है। बोलिए भली परी, क्या चाहिए आपको? मुझे कैद चाहिए। कैद? कैद? जी। मैं चाहती हूँ कि परी महोत्सव खत्म होने तक आप मुझे परी लोक की कैद में डाल दें। पर क्यों? ये आप क्या कह रही हो भली परी? आप कैद में क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जब सभी परियां परी तारा से अपनी अपनी शक्तियां ग्रहण कर रही हूं, तब उनके मन में ये जरा सा भी ख्याल आए कि भयंकर परी कहलाने वाली भली परी आज हमारे बीच खड़ी है और उसकी वजह से कोई भी गड़बड़ हो सकती है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूं ना नटखट परी? नहीं नहीं भली परी, कोई दूसरी परी क्या सोचती है, इसकी वजह से हम आपको कैदी नहीं बना सकते। ये गलत है, ये अन्याय है। नहीं रानी परी, यही सही है। मेरी पिछली गलतियों का अभी बहुत प्रायश्चित करना बाकी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कैद में डाल दें। और फिर आपने मुझसे वादा किया है कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे देंगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप मुझे परी मैदान से बहुत दूर परी बाग की कैद में डाल दीजिए। और मैं ये चाहती हूँ कि नटखट परी अपने हाथों से मुझे उस कैद में बंद करे। ठीक है भली परी, अगर आपकी यही इच्छा है तो हम नटखट परी को आज्ञा देते हैं कि आपको परी बाग में कैदी बना दे। शुक्रिया रानी परी। अरे मानव, दो घंटे बाकी है। चल एक फाइनल रिहर्सल दिखा। 1 2 3 तो भी स्टार्ट कर। मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं डांस कर ही नहीं पाऊंगा। पापा क्या कहते हैं कि डर हमेशा हारने वालों की पहली निशानी होती है, इसीलिए तू हिम्मत दिखा और अपने आप पे भरोसा रख। मैं कोशिश कर रहा हूँ मैम, मुझे ऐसे लग रहा है मैं वैसे डांस कर ही नहीं पाऊंगा जैसे मैंने ऑडिशन में किया था। तभी तो मैं कह रहा हूँ मानव, अभी भी बहुत टाइम बाकी है, कटवा दे अपना नाम डांसर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन से।
कटवाए, तू अपना नाम कटवा ना। मानव ने अच्छे से तैयारी की है। नहीं की है। मानव एकदम कॉन्फिडेंट है। नहीं हूँ। और मानव तुझे हरा कर ही दिखाएगा। हरा कर ही दिखाएगा। हाँ। ये पिद्दी, ये मानव मुझे हराएगा। अगर इस मानव ने मुझे हराया ना, तो मैं पूरे स्कूल के सामने बंदर बनकर डांस करूंगा। और तू बंदारी बनकर मुझसे डांस करवाना। लेकिन मैं अगर मैं जीत गया ना, तो तुम दोनों बंदर बनोगे और मैं मोहतारी बनकर तुमसे डांस करवाऊंगा। बोल मैं मंजूर है? नहीं, मैं डांस नहीं करूंगी। डर गए पिद्दी लोग। मैंने कहा कि मैं डांस नहीं करूंगी, मतलब अगर आज मानव हार गया तो मैं स्कूल के सामने क्या, घर बाहर कहीं भी और कभी भी डांस नहीं करूंगी। मैं हमेशा हमेशा के लिए डांस छोड़ दूंगी। मैं जानती हूँ भयंकर परी कि तुम ये अच्छा बनने का और सुधरने का बस नाटक कर रही हो। इस सब के पीछे जरूर तुम्हारी कोई चाल है। परी तारा तक पहुँचने के लिए ये मेरी आखिरी चाल है नटखट परी, जिसे मैं तुम्हारे ही हाथों पूरा कर रही हूँ। तुम मुझे सजा देना चाहती थी ना, लो मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। उड़न खटोले को सुरक्षित करवाना और फिर खुद को जेल में बंद करवाना, ये कौन सा खतरनाक खेल खेल रही हो तुम भयंकर परी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। भयंकर परी के खेल को समझना इतना आसान नहीं है नटखट परी। जहां तुम मुझे छोड़कर जा रही हो वो कैद नहीं, दरवाजा है उस सुरंग का, जिसके अंदर से गुजरकर मैं परी मैदान पहुंचूंगी और परी तारा चुराऊंगी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे परी उत्सव में तुम्हारी वजह से कुछ बुरा होने वाला है। बहुत ही बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। मनाने तो जा रही हो तुम परी महोत्सव का जश्न, लेकिन अंत में मनाना पड़ेगा तुम्हें जश्न मेरी रानी परी बनने का और तुम्हारी बर्बादी का। भली परी, एक बार फिर से सोच लीजिए। अगर आप चाहें तो रानी परी आपकी कैद की सजा को रोक सकती है। शुक्रिया गाल परी, पर यही ठीक है। मैं चाहती हूं कि आप सभी परियां परी महोत्सव में बिल्कुल निश्चित रहें। नटखट परी, आप जल्दी से मेरी कैद बना दीजिए ताकि आप सब जा सकें। शुक्रिया नटखट परी। फाइनल
ऑडिशन शुरू होने में अभी सिर्फ एक घंटे बाकी है। एक घंटा। मेहर, तुझे क्या जरूरत थी मोंटू को इतना बड़ा चैलेंज देने की? मानो तो बहुत घबराया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे जादुई जूतों के साथ साथ मानव का आत्मविश्वास भी चला गया है। बड़ा बड़ा क्या चैलेंज है? तूने इतनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है तो तू ही बनेगा डांसर ऑफ द ईयर। और अगर मैं हार गया तो? क्या तू सच में जिंदगी भर डांस ही नहीं करेगी? हाँ, क्योंकि एक बार ना कट गई तो उसके बाद डांस करने में क्या फायदा। चल तू ये सब छोड़ और मेरे साथ एक फाइनल रिहर्सल कर, ठीक है? देख, 1 2 3 4 अब तू कर। मानव, ये तू क्या कर रहा है? मैं तुझे ब्रेक डांस सिखा रही हूँ और तू एक कोली डांस कर रहा है। देख वापस, 1 2 3। मैं तुझे चैलेंज करती हूँ कि मानव ही तुझे हराएगा। अगर आज मानव हार गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए डांस छोड़ दूंगी। अगर मैं जीत गया ना तो तुम दोनों बंदर बनोगे और मैं मोहतारी बनकर तुमसे डांस करवाऊंगा। तुझसे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। मुझे डॉटी में पार्ट ही नहीं लेना चाहिए था। सॉरी। तेरे लिए भगवान के सामने मैंने रोज दिया जलाया पर तुमने मुझे क्या दिया? सॉरी। मेहर ने इतना कुछ सिखाया फिर भी तुम सीख नहीं पाए। सॉरी। मानव, तू ये क्या कर रहा है? मैं तुझे डांस स्टेप दिखा रही हूँ और तेरा ध्यान कहाँ है? दो स्टेप भी तू याद नहीं रख सकता। मेहर मानव को ऐसे डांटेगी तो मानव तो और भी हिम्मत हार जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ मेहर और मुझसे हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है मतलब? अरे DOTY के फाइनल से पहले तू मुझे कह रहा है कि मुझसे डांस नहीं हो रहा है? मेरी गलती है। मुझे तुझ पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मोंटू सही कह रहा है, तू पिद्दी है, पिद्दी। तू तो जीत ही नहीं सकता। तेरी वजह से हम दोनों की नाक कट जाएगी, पूरा स्कूल हंसेगा हम पर। तुझे क्या, तुझे डांस नहीं करना ना? तू मत कर, मैं जा रही हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.